देश के 11वें राष्ट्रपति, एक ख्याति प्राप्त कुशल वैज्ञानिक, लेखक तथा युवा पीढ़ी के पथ प्रदर्शक। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी की, जो न जाने कितने ही लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया जाने लगा। भारत के हर घर में उनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। यहाँ का हर विद्यार्थी उनको अपना आदर्श स्वरूप मानता है। अपनी कड़ी तपस्या और उच्च सिद्धांतों के कारण ही वे इस मुकाम तक पहुँचे। आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वे गीता और कुरान दोनों का अनुसरण करते थे। उनका लगाव भारत की संस्कृति के प्रति बहुत अधिक था। भारत रत्न कलाम का इस धरती पर जन्म लेना भारत के लिए गौरव की बात है, और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए इस जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनकी सादगी और महानता के बारे में पढ़कर आंखें नम हो जाती हैं कि कोई ऐसा भी हो सकता है भला। जब कलाम बतौर वैज्ञानिक काम करते थे, तो एक बार उनकी टीम के एक सदस्य ने घर जल्दी जाने की अनुमति मांगी, ताकि वो अपने बच्चों को एक एग्जीबिशन में ले जा सके। लेकिन व्यस्तता के कारण वो ये बात भूल गया। शाम को सॉरी फील करता हुआ जब वो थोड़ी देर से घर पहुंचा, तो पता चला कि कलाम बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने ले गए हैं। जब कलाम DRDO में थे, तो किसी बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए उसकी बाहरी दीवारों के ऊपर कांच के टुकड़े लगाने का सजेशन आया, पर उन्होंने इसे ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा करने से बर्ड्स जब दीवार पर बैठेंगी तो उन्हें चोट पहुँच सकती है। IIT BHU के दीक्षांत समारोह में कलाम मुख्य अतिथि थे। जब वे मंच पर पहुंचे, तो देखा कि उनके लिए जो कुर्सी लगी है वो बाकी कुर्सियों से बड़ी है। उन्होंने तुरंत उस पर बैठने से मना कर दिया और वाइस चांसलर को उस पर बैठने का आग्रह किया। जब वाइस चांसलर भी नहीं बैठे, तो सेम साइज की एक कुर्सी मंगाई गई और तब सब लोग बैठ पाए। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से गांव में हुआ, जिसका नाम धनुषकोडी है। उनके पिता एक नाविक थे और उनकी माता एक गृहिणी थी। उन्होंने एक छोटे से गांव से लेकर राष्ट्रपति बनने का अद्भुत सफर तय किया। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ गंभीर चिंतक और अच्छे इंसान भी थे। राजनीति से दूर रहकर भी कलाम राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान रहे। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने हेतु कई किताबें लिखी, जो बहुत ही प्रभावशाली हैं। अब्दुल कलाम ऐसे शख्स थे जो एक गरीब परिवार से आए और अपनी मेहनत और अनुशासन के कारण एक सफल वैज्ञानिक, एक लोकप्रिय राष्ट्रपति तथा एक आदर्श प्रोफेसर बन गए। अगर आप इनके जीवन का गहन अध्ययन करेंगे, तो जान पाएंगे कि हालात को जिम्मेदार ठहराते हुए हार मानकर बैठने वाले लोग कभी आगे